तो दोस्तों नमस्कार, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों ये एक केमिकल कंपनी है जिसने अभी हाल फिलहाल में ही अपने क्वार्टर फोर्थ का नंबर शो किया है मार्केट बंद होने के बाद। अब ये हाई ग्रोथ कंपनी देखने को मिल रही है, हाई ग्रोथ स्टॉक देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मार्केट इसका वेलकम है ना कल बहुत ज़ोरदार तरीके से करेगा, और वो ज़ोरदार तरीका रहेगा नीचे का साइड, मतलब कल इसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है क्वार्टर फोर्थ का वो अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार क्या है Q4 का रिजल्ट वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा डिविडेंड के ऊपर का अपडेट। ठीक है, शेयर का फेस वैल्यू 10, ठीक है, और इन्होंने डिविडेंड दिया है 2 रुपये का। ठीक है, मतलब 20% के हिसाब से कंपनी की तरफ से डिविडेंड छोड़ा गया है। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड डेट तो अभी नहीं आया है, रिकॉर्ड डेट जब भी आएगा मैं आपको अपडेट जरूर करूँगा। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो रुपीज़ इन मिलियन में देखने को मिल रहा है कंपनी का पूरा नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मार्च क्वार्टर, मार्च 21, ठीक है, दिसंबर 21 और मार्च 22, ठीक है, तो पोर्शन सेम देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम देखिए अगर इस क्वार्टर में कितनी हुई है दोस्तों, 988, ठीक है, 988 की। दिसंबर क्वार्टर में हुई थी 1092 की, ठीक है, और मार्च 21 में हुई थी 1112 की। ठीक है, तो आप अगर कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट है टोटल इनकम है, मतलब पारी की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई है। और मिडिल ऑर्डर तो कैसा खेल पाएगा, क्यों? क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो दोस्तों पारी की शुरुआत पर ही टिके रहता है। तो आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंस, एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से एक्सपेंस ने प्रॉफिट को खा गया। आप देखिए यहाँ पर राउंड फिगर में हम 800 पकड़ लेते हैं कि 800 का खर्चा हुआ है। ठीक है, दिसंबर क्वार्टर में 837 का था और मार्च 21 में 870 का था। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट बताए उसमें एक्सपेंसल आइटम कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, तो जो नेट प्रॉफिट बचा है कंपनी के हाथ में, ठीक है, वो 190 राउंड फिगर में आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ 255 आप बोल सकते हैं, ठीक है, दिसंबर क्वार्टर में, और मार्च 21 में 243 आप बोल के चल सकते हैं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें टैक्स पे करने के बाद तो यहाँ पर कितना बचा है, 175 का, 175 मतलब लगभग 17 करोड़। ठीक है, करोड़ की अगर मैं बात करता हूँ तो 17 करोड़, ठीक है, यहाँ पर बचा है 228, मतलब लगभग अगर हम देखें तो 22 करोड़। ठीक है, कब, ये दिसंबर का रिजल्ट है, और इसकी अगर मैं बात करता हूँ 211 करोड़ तो ऑलमोस्ट 21 करोड़, ये कब का है दोस्तों, मार्च 21 की। ठीक है, तो मार्च 21 और दिसंबर क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों क्वार्टर्स को अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो दोस्तों इस क्वार्टर्स में क्या हुआ रहा है, बड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। ठीक है, तो मेन प्रॉफिट में गिरावट है, तो EPS में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये EPS की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि जो अर्निंग पर शेयर है वो 10 रुपये 51 पैसे का था। ठीक है, कब, मार्च 21 में, दिसंबर 21 में था 10 रुपये 29 पैसे का, और मार्च 22 में 7 रुपये 90 पैसे का है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट है और दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरावट है इस कंपनी के अंदर। तो हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी का नाम है, अभी केमिकल कंपनी है दोस्तों और मार्केट में अभी हाल फिलहाल में आई है, और इसने अपना क्वार्टर फोर्थ का रिजल्ट शो सही ढंग से नहीं किया है। अब दोस्तों मार्केट जिस प्रकार से भी इसका वेलकम करेगा हम इसको देखेंगे, गिर भी सकता है नहीं भी गिर सकता है, ये एक बोलने के ऊपर है। लेकिन दोस्तों अभी तक जितनी कंपनियों ने सही ढंग से रिजल्ट शो नहीं किया है उनमें गिरावट ही देखने को मिली है, तो उम्मीद तो यही है 90% की इसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये था तत्व चिंतन फार्मा का एक अपडेट, एक क्वार्टर फोर्थ का रिजल्ट का अपडेट। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि डेली बेसिस पर इसी प्रकार का बेहतरीन आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।